अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी, आज की वीडियो है ईद के सेकेंड डे की, बिकॉज फर्स्ट डे में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फर्स्ट डे पे फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, तो फिर इसलिए वहाँ से मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। और ये है जी, सेकेंड डे मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो हम लोगों ने प्लान किया बाहर जाने का। बाहर हम गए थे अजमान फेस्टिवल लैंड, वहाँ पर बच्चों के लिए राइड्स वगैरह हैं, तो बड़ा एक अच्छी सी जगह है वो। खैर, यहाँ पे एंट्री होते साथ ही पता लगा कि भाई यहाँ तो है एंट्री टिकट, जो कि नॉर्मल डेज में नहीं होती, वो ली। और फिर उसके बाद हम जैसे अंदर एंट्री में बारिश हो गई। बारिश के बाद आप सबको पता ही कि मौसम किस तरह का हो जाता है, ज़रा ऐसा वैसा सा गर्म सा मौसम हो गया, लेकिन फिर भी बच्चे जिस मकसद के लाए होते हैं वो तो पूरा करवाना ही होता। बहरहाल, यहाँ पे एक लंबी सारी लाइन में लगकर जो है इनके लिए कार्ड बनवाया गया। कार्ड में जिस तरह वो क्रेडिट ऐड करवा देते हैं और फिर जाके आप राइड्स ले सकते हैं, यानी लंबी लंबी लाइन्स में हर दफ़ा नहीं लगना पड़ता। तो वो कार्ड रेडी करवाया और फिर उसके बाद ताज ने स्टार्ट किया अपना राइड्स लेने का सिलसिला। और साथ ही साथ जो है मैंने भी बहुत सारी राइड्स की यहाँ पे वीडियोस बनाई हैं, ताकि क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर न्यू एंटर ऐड हुई थी, और ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था सब कुछ। देखा जाए तो जगह बहुत ज़बरदस्त है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी राइड्स हैं और बड़े बच्चों के लिए भी, और प्राइजेस रीज़नेबल हैं, लाइक 10 दिरहम्स 15 दिरहम्स इतना है ईच राइड के टिकट्स जो हैं। और बस ईद की वजह से थोड़ा बहुत रश ज़्यादा था, जैसे हम लोग नॉर्मली जब रेगुलर डेज़ में जाते हैं तो फिर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, और मोस्टली तो ये होता है कि राइड्स पर इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन इस दिन बहुत टाइम लग रहा था। जाहिर सी बात है, ईद का सेकेंड डे था और बच्चों के लिए यही सब चीज़ें जो होती हैं ना वो सेकेंड डे पर होती हैं। फर्स्ट डे तो आपने कोई फैमिली गेट टुगेदर्स जो गैदरिंग्स होती हैं उनको इन्जॉय करना होता है। तो यहाँ पर जो है वो रिताज अपनी राइड्स को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रही थी, हमने टाइम एक अच्छा स्पेंड किया। और फिर थोड़ी बहुत यहाँ शॉपिंग की, क्योंकि अंदर जो है डिफरेंट पवेलियंस बने हुए हैं और चीज़ें वगैरह होती हैं डिफरेंट सी, वो देखा वहाँ पर जाकर। और फिर उसके बाद लास्ट में लिया उसने ये ट्रेन वाली राइड। उसके बाद हम आ गए थे जी घर, और घर आने के बाद हमने खाना, जब खाने जाना था तो फिर नीचे हमारे घर के नीचे जो है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, तो लेकिन सभी की सब जगह फुल थे, लिहाजा एक जगह एक रेस्टोरेंट में हमें जगह मिल गई, हमने वहाँ बैठ के खाना इंजॉय किया। निहारी थी साथ में, दाल ऑर्डर की थी और वही टिपिकल रायता सैलड वगैरह। और यहाँ पे मोहम्मद साहब जो है वो अपनी कैरेट इंजॉय कर रहे हैं। आजकल ये सब चीज़ें अपने हाथ में लेकर ख़ुद खाने का बहुत शौक हो गया,
तो बस छोटे छोटे पीसेस करके ना खा पी रहा था साथ साथ। ये था जी हमारा आज का व्लॉग, ईद का व्लॉग इसे कह सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।